दुनिया तो बस इंतजार ही कर सकती थी, सो इंतजार किया। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, और ऐसे प्रेम जैसे मछली का पानी से होता है, जैसे पानी के बिना मछली मर जाएगी, सांप नहीं मरेगा, पानी में सांप रह लेता है, पानी के बाहर भी रह लेता है, कछुआ है, मेंढक है, ये सब वो लोग हैं जो पानी में भी रहते हैं, जल में भी और थल में भी, पर बेचारी विडंबना तो पूरी मछली की है, सिर्फ जल में रहती है, सांप तो थल में भी रह लेता, कछुआ, मेंढक इत्यादि। तो गोपियां कौन है? मछली है, जो रहेंगी तो कृष्ण के प्रेम के जल में ही रहेंगी, वरना कृष्ण के दर्शन के बिना मर जाएंगी। अब गोपियों की स्थिति वही है, प्राण निकलने वाले हैं, गोपियां मरने वाली हैं। क्यों मरती हैं गोपियां? क्योंकि प्रेम करती हैं। तो क्या प्रेम में मर जाया जाता है? मर जाना चाहिए प्रेम में ना, प्रेम में मरता नहीं है कोई, तो फिर गोपियां क्यों मरना चाहती हैं? गोपियां मरना नहीं चाहती, गोपियां तो जीना चाहती हैं, लेकिन क्या करें? अब आप ही बताओ, हमें कोई पानी ना दे और भोजन ना दे और पानी और भोजन छीन के कहे कि तुम जीते रहो, तो क्या कोई हमारा भोजन पानी छीन ले ना दे और आशीर्वाद देता रहे तू जीता रह जीता रहे, तो बताओ क्या भोजन पानी के कोई जी सकता है? यदि आप हमें जिंदा देखना चाहते हो तो भोजन पानी तो देना पड़ेगा ना। अब आप एक तरफ कहो कि जी भोजन पानी भी नहीं देंगे और तुम्हें जीना भी है, तो गोपियां हमें मरना तो नहीं चाहता, लेकिन भोजन पानी नहीं मिलेगा तो चाहता तो नहीं हूं मरना, पर भूख से मरनी पड़ेगा। उसी तरह गोपियां मरना तो नहीं चाहती, परंतु गोपियों का जीवन कृष्ण है। अब कृष्ण मिल जाए तो वो जी जाए, और कृष्ण नहीं मिले तो मरना, वो चाह थोड़ी नहीं है मरना, पर प्रेम ऐसी चीज है कि प्रेमी कोई मरना थोड़ी चाहता, लेकिन फिर भी गोपियां इंतजार करती हैं। कहा है दो दिन में आऊंगा, आएगा, कभी तो आएगा, इसलिए तो गोपियां कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं, बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरा जीवन ये थाम लो, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकार रही हैं और प्रेम में रो रही हैं। ये जो प्रेम है ना वो ऐसी है, प्रेम का मतलब होता है देना। क्या दे सकते हैं आप? प्रेम देना चाहता है, स्वार्थ लेना चाहता है, जहां लेने की भावना हो वो प्रेम नहीं होता, स्वार्थ होता है, देने की भावना हो वो प्रेम होता है। क्या दे सकते हैं? एक माँ अपने बेटे को सब कुछ देना चाहती है, एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देना चाहता है, एक सच्चा मित्र अपने मित्र को सब कुछ देना चाहता है। श्री कृष्ण सुदामा को सब कुछ देना चाहते थे, वो तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब दे देते। जहां प्रेम होता है वहां लेना नहीं होता, वहां तो सिर्फ देना होता है।